हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परी तैयार हो गई बेटा? हो गई नानी। अरे परी, तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं, पूरा फिनिश कर देना। नानी पापा कहाँ है? चलो चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, तुम्हारे नानू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा, गुड, वेरी गुड। और ये पता, तू शाम को क्या खाएगी? हाँ, मैं बना के रखूंगी। बोल क्या खाना है? नानू मेरे पापा कहाँ है और मम्मी को क्या हुआ था? आप दोनों कुछ बताते क्यों नहीं है? बेटा कितने बार तो तुझे बता चुका हूँ, तेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। जब तू एक साल की थी ना, वो हम सबको छोड़ करके भगवान के पास चली गई। और पापा? तेरी माँ की मौत के बाद तेरे पापा बहुत परेशान रहने लग गए थे, और एक दिन वो भी अचानक कहीं चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। और ये आ गया परी का स्कूल। अब नानू को मिट्टी कौन देगा? परी। बाय नानू। बाय बेटा। अच्छा नानू, आपको पता है मैं आपसे और नानी से इतना सारा प्यार करती हूँ, और आपसे थोड़ा ज्यादा। लेकिन नानू मुझे पता है, आप मुझे सच नहीं बता रहे हैं ना? कोई बात नहीं, बाय बाय। बीती हुई बातों के दलदल में हम तुझे नहीं डाल सकते बेटा, तू तो हमारी दुनिया है, हमारी परी है। आठ साल की परी अपने पापा से मिलना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसके पापा कहीं चले गए हैं। वो ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं उसके नाना नानी उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमेशा उनसे अपने पापा के बारे में पूछती रहती थी, ये सोचकर कि शायद किसी दिन उसे सही जवाब मिल जाएगा और वो अपने पापा से मिल पाएगी। और इसके लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। परी बेटा चलो दूध पी लो। आज नहीं नानी। अरे दूध नहीं पिएगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? हाँ चल, नहीं चल, नानी, चल, आज चलो नहीं। मेरी अच्छी बच्ची, आजा बच्चा, चल मैं 1 to 10 काउंट करती हूँ, तब तक पी ले मेरी गुड़िया रानी। आजा बच्चा, आजा मेरी अच्छी बच्ची, चल पी ले। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? जी वो मैं यहाँ अपनी बेटी परी से मिलना है। नाइन? मेरी बेटी परी का है। बेटे ये तेरे पापा हैं। ये यहाँ क्यों आया है? गायत्री मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर ये चाहता क्या है? इसमें है तुम्हारी गुड़िया और उसका गुड्डा, और हाँ ये
ये रही तुम्हारी पेंसिल बॉक्स, कैसी लगी? पापा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। I'm sorry. मुझे तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। I'm sorry. पापा आपको पता मैं आपको कितना मिस किया। सबके पापा आते थे उनको स्कूल छोड़ने के लिए, बस मेरे पापा कभी नहीं आए। मम्मी के साथ आपकी फोटो ही देखती थी। पापा आप कहाँ चले गए थे? बेटा मुझसे गलती हो। I'm sorry. अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। I promise. Pinky promise. Pinky promise. मेरा ही दिल जानता है मैं अपनी बेटी के बगैर इतने साल कैसे रहा। मैं उसे यहाँ से ले जाने नहीं आया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन कम से कम कभी कभार मैं उसे मिलने तो आ सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इस बात से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो जितनी देनी थी तुम पहले ही दे चुके हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी परी को तुम्हारी वजह से आइंदा कोई प्रॉब्लम हो। नानी, नहीं चाहते मैं पापा के साथ जाऊं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चल अब सो जा, वरना सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। सो जा बेटा। लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चाहता क्या है? पता नहीं, इतने सालों बाद अब वो हमसे क्या चाहता है। सुशांत तिवारी जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं दिल्ली से PSI विकास गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। वो आपकी बेटी कावेरी के बारे में बात कर रही थी। कावेरी? क्या हुआ कावेरी को? वो ठीक तो है ना? जी वो नहीं रही। क्या? उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन हमको शक है कि उनका मर्डर किया गया है। आपको यहाँ दिल्ली आना पड़ेगा। क्या हुआ? किसका फोन था? कावेरी को क्या हुआ बताइए, क्या हुआ कावेरी को? कावेरी नहीं रही। अगर वो परी को ले जाने आया है तो किसी कीमत पर मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। और यदि उसने जिद की तो? आखिर वो उसका बाप है। कैसा बाप? जिसने इतने सालों में कभी अपनी बेटी की सुध नहीं ली, आज अचानक 7 साल बाद उसे अपनी बेटी की याद आ गई। हम परी को सब सच बता देंगे कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ क्या किया था। पागल हो गई हो? इतना बुरा असर पड़ेगा उस बच्ची पर। परी भी बहुत छोटी है। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त अपने आप को दोहराता है। आज फिर से वही डर, वही चिंता
परी के नाना नानी के सामने आकर खड़ी हुई थी, लेकिन वो अब भी उस अतीत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे जिसका चेहरा शायद उस मासूम बच्ची के लिए बहुत ही डरावना था। परी की माँ की मौत बहुत ही रहस्यमय स्थितियों में हुई थी और उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता जितेंद्र परी को छोड़कर चले गए थे और अब जितेंद्र वापस आ गया था परी को अपने साथ ले जाने के लिए। परी के नाना नानी की चिंता बेवजह नहीं थी, लेकिन क्या वो परी की कस्टडी के लिए उसके पिता से लड़ सकते थे? सब बच्चे अपना अपना होमवर्क करके आना, और हाँ, फादर्स डे पे सब बच्चों को अपने अपने पापा के साथ क्लासरूम में 2 घंटे बिताने हैं, ठीक है? Yes, please. और सब अपने अपने पापा से कहना कि कोई बहाना ना करे। तुम उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहे हो? अचानक 7 साल बाद तुम्हारे अंदर का बाप जाग गया? भले मैं उससे मिलने ना सका, मेरा दिल जानता है कि मैं उसके बगैर कैसे रहूं। मेरी बेटी है वो। तुम्हारी बेटी थी, अब वो हमारी है, और जब 7 साल तुम्हारे बिना रह ली तो आगे भी खुशी खुशी रह लेगी। जी मैं जानता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी परवरिश की है उसकी, लेकिन परी को माँ की जरूरत है। वो माँ जिसकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, आप लोग भी भूल जाएं तो बेहतर होगा। मैं परी के बगैर नहीं जी सकता। मेरी दूसरी बीवी सोनाली उसे माँ का प्यार देने को तैयार है। दूसरी बीवी? यानी तुम परी को सौतेली माँ की गोद में डालोगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देखिए, मैं अब तक आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग परी के नाना नानी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते चले जाएंगे, मैं सुनता चला जाऊंगा। मैं परी को लेने आया हूँ, और अगर आप लोग ने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। अब प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। कल मेरे स्कूल में फादर्स डे सेलिब्रेशन है, आप आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, क्या पहन के जाओगी? फ्रॉक। अच्छा अच्छा, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? सुसान जी, कैसे करेंगे आप ये सब? 3 साल तक केस लड़े आपके दामाद के खिलाफ, सारी जमा पूंजी लगा दी। आप कोर्ट में तो ये साबित नहीं कर सके ना कि आपके दामाद ने दहेज के लिए आपकी बेटी की जान ली। कोर्ट ने तो यही कहा कि वो सुसाइड का केस था। समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट केस में उस समय सारे पैसे मैंने लगा दिए जबकि मेरे ऊपर परी की भी जिम्मेदारी थी। अब ना तो हमारे पास पैसे बचे हैं और ना हिम्मत। फिर ये आप कोर्ट केस कैसे लड़ेंगे? आखिर वो परी का बाप है। कोर्ट आपके जज्बात नहीं, आपकी उम्र देखेगी। कस्टडी तो वो उसके बाप को ही देगी। आखिर परी को भी तो अपने पिता की ज़रूरत है। परी बेटा, तू वहां जाकर नानी को भूल तो नहीं जाएगी ना? नानी रोज फोन करेगी? हाँ नानी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। बेटा, तुमने अपनी फेवरेट डॉल डाल दी? हाँ। परी बेटा, इसमें बेसन के लड्डू है, तुम्हारे फेवरेट। थैंक यू नानी। दो मुझे। नानू। अरे, अपने नानू को छोड़ के जा रही है बेटा? नानू, मैं आपको डेली कॉल करूंगी, है ना पापा? हाँ बेटा, ठंडा पानी मत पीना, तू बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, फोन जरूर करना। हाँ नानू। चले। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं तुम्हारे लिए, ये वो है। अभी का परी अपने पिता के साथ जा चुकी थी, अपने नाना नानी को रोज फोन पर बात करने का वादा करके। गायत्री और सुशांत ये समझ नहीं पा रहे थे कि जितेंद्र अचानक परी को अपने साथ क्यों ले गया। वो ये तो जानते थे कि परी को अचानक इस तरह ले जाना जितेंद्र का परी के लिए प्यार तो नहीं था। अगर ये एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार नहीं था
तो और क्या था? बेटा, ये तुम्हारी दादी है। नमस्ते दादी। और ये तुम्हारी नई माँ। नई माँ? हाँ, नई माँ। बेटा, हम तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाएंगे। बहुत खुश रहोगी तुम यहाँ पर। चलो, हाथ मुंह धो लो, ठीक है? सोनाली, परी को इसका कमरा दिखा दो। मत भूलना कि इसकी माँ की वजह से तुम्हें 6 महीने जेल में सड़ना पड़ा। केस जीतने के लिए हमें घर तक बेचना पड़ा। और ये सब कुछ इसकी माँ और इसके नाना नानी की वजह से हुआ। नहीं भूलूंगा। जितेन फोन नहीं उठा रहा। यहाँ से गया तो कह के गया था कि हर रोज शाम को परी से हमारी बात करवाएगा। आज 15 दिन हो गए, बच्ची की हमने आवाज तक नहीं सुनी। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं दिल्ली जाके देखूं क्या? कहाँ जाएंगे? आपके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। मैंने जितेन से मांगा तो था, लेकिन वो टाल गया। आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल नंबर उसके पास है, आप पीसीओ से फोन लगाइए। क्या बचपन है? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग लैंडलाइन से फोन करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा? हमने कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? क्योंकि मैं सारा दिन बैठकर अखबार नहीं पढ़ता रहता, बहुत काम है मेरे पास। मुझे भी तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। तुमने हमसे वादा किया था कि परी से रोजाना बात कराओगे, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक बार भी तुमने बात नहीं कराई। कैसी है वो? देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने बाप के साथ है। मुझे परी से बात करनी है, उससे मिलना है मुझे। मैंने आपसे कहा ना, मुझे जैसे फुर्सत मिलेगी मैं मिलवाने ले आऊंगा। तुम्हारा एड्रेस क्या है? मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में रहता हूँ, और मैंने आपसे कहा ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मिलवाने ले आऊंगा जैसे फुर्सत मिलेगी। तुम अपना पूरा हेड हेलो मैं कल ही दिल्ली जाऊंगा, सारा ग्रेटर कैलाश छान मारूंगा। सरीन नाम है उसका, छोटी सी फैक्ट्री है उसकी, और उसकी माँ का नाम है लक्ष्मी। मेरे पास फोटो है एक उनकी, ये जितेंद्र है और ये उसकी बेटी। ओ जी चाचा जी, इनको तो मैंने पहचाना नहीं, और वैसे भी ग्रेटर के लाश कोई मुट्ठी भर का तो है नहीं। अब ऐसे में किसी को बिना पते के ढूंढ पाना मुश्किल है जी। सॉरी जी, सॉरी। ओए रामू, चल पाइप लगा।
सरीन सेकंड स्टैंडर्ड में होगी। देखिए सर, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, परी सरीन नाम की कोई भी बच्ची सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं है। सॉरी, यहां कोई परी नहीं है। पेरेंट्स कार्ड है आपके पास? जी नहीं। Then I'm very sorry सर, हम किसी बाहर वाले के सामने अपने स्टूडेंट्स की डिटेल नहीं डिस्क्लोज करते हैं। मैं उसका नानू हूँ। तो ठीक है सर, आप उसके नाना हैं तो आप उसके फादर के पास जाइए। और वैसे भी हमारे स्कूल में परी नाम की सेकंड स्टैंडर्ड में कोई बच्ची है ही नहीं। सॉरी। मैंने ग्रेटर कैलाश पार्ट टू का चप्पा चप्पा छान मारा, आसपास के स्कूलों में भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है जितेंद्र ने मैं गलत एड्रेस दिया। हमें परी को उसके साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे तो ये सब तू बर्दाश्त क्यों कर रही है? छोड़ दे उसे, तलाक दे दे। ना तो उसे तेरी अहमियत पता है और ना ही परी से कुछ लेना देना। उसकी माँ तो खुलेआम कहती है कि उसे पोता चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस मक्कार से तेरी शादी करा दी, लेकिन इस गलती को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तलाक दे दे उसे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो उस वक्त हमने कावेरी को जाने दिया। हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, उसे रोक लेना चाहिए था। और सब कुछ जानते हुए भी हमने उस नन्ही सी जान को उसके साथ जाने दिया। कहीं हमसे फिर से कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई ना? परी के नाना नानी बहुत परेशान थे और उनका परेशान होना जायज भी था, क्योंकि उनके पास ना तो परी के घर का पता था और ना ही उससे बात करने का कोई जरिया। वो बस अटकलें ही लगा सकते थे कि परी कैसी होगी। और फिर एक दिन एक फोन कॉल ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। हेलो, सुशांत तिवारी जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं दिल्ली आरकेपुरम एरिया से पीआई रामकुमार चोपड़ा बोल रहा हूँ। सुशांत तिवारी जी बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से पीएसआई विकास गुप्ता बोल रहा हूँ। वो आपकी बेटी कावेरी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की थी। हेलो, हेलो जी कहिए। जी आपको दिल्ली आना होगा। किस लिए? आपकी नवासी परी, वो हॉस्पिटल में है, उसे बुरी तरह जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। क्या हुआ? किसका फोन था? क्या कहा उसने? कहिए ना, क्या हुआ? नमस्कार, मैं सुशांत तिवारी, परी का नाना। जी मैं पीआई रामकुमार चोपड़ा। आइए।
आई। हाँ, ये आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? मुर्दा घर में? आपने तो कहा था कि परी को चोट लगी है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इतनी बुरी खबर मैं आप लोगों को फोन पर नहीं देना चाहता था। जब तक इसे हॉस्पिटल लाया गया तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। क्या हुआ था? जिसके पिता ने बताया कि किसी दुकान वाले ने मारा था। हम लोग परी का स्कूल से आने का इंतजार कर रहे थे, तभी बेल बजी। परी, परी, परी बेटा, परी बेटा, परी, परी, अरे, परी। मेरी बच्ची खून से लथपथ थी। उसने बताया कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो एक दुकान पे रुकी चॉकलेट लेने के लिए, तो दुकानदार ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। जब परी ने उसे रोका तो उसे बहुत मारा। फिर आप लोगों को एम्बुलेंस बुलाने में इतनी देर क्यों लगी? इनफैक्ट हमने वहां जाकर एम्बुलेंस को बुलवाया। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता अगर आपके पड़ोसी ने फोन करके हमें बताया नहीं होता तो। सर, सर हमें लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है। सर, सर हमारे पड़ोसी जितेंद्र जी के घर से बच्ची की चीखने की आवाज आ रही है। हम अभी वहां पहुंचते हैं, चलो। हम आरकेपुरम उसके घर पहुंचे, परी बेहोश थी। हमने एम्बुलेंस बुलाई और इसे हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। आरकेपुरम? लेकिन उसने तो हमें बताया था कि वो ग्रेटर क्लास में रहता है। 3 दिन तक ग्रेटर क्लास की खाक चाहता रहा, परी को ढूंढता रहा। जितेंद्र ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो भी झूठी थी। फिर उसके पड़ोसी से हमें सच पता चला। नहीं सर, मेरे घर का दरवाजा तो सारा दिन खुला रहता है और मैं परी को स्कूल से आते जाते हुए देखती हूँ, लेकिन आज मैंने परी को स्कूल से आते हुए नहीं देखा। और वैसे भी अगर परी इस हालत में स्कूल से घर आती तो मेरी नहीं तो सोसाइटी में किसी ना किसी की नज़र तो ज़रूर पड़ती उस पर। सर वैसे घर में परी की चीखने की आवाज़ अक्सर सुनाई देती थी। हाँ सर, और आज तो परी इतना चिल्ला रही थी मानो जैसे कोई उसे बहुत बुरी तरह मार रहा हो। सर सच बताओ, क्या किया था तुमने परी के साथ? साहब मैंने आपको सब कुछ सच सच ही बताया। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से बात की थी, तुम्हारे एरिया की सारी दुकानों को भी चेक किया है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम बस कहानियाँ बना रहे हो, सच बोलो। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपको जो कुछ भी बताया सच ही बताया। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था साहब, मैं उसके बिना जी नहीं सकता था, इसलिए मैं उसे नाना नानी के घर से यहाँ लेके आया था। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और आप मुझे डरा धमका रहे। नहीं, वो परी को बिल्कुल प्यार नहीं करता था, सिर्फ दिखावा करता था। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि वो 7 साल बाद परी को लेने क्यों आया। इस सवाल का जवाब उसकी पत्नी ने दिया। झूठ बोल रही है तुम। नहीं सर, सच में परी को किसी दुकान वाले ने ही मारा है। सच सच बता दो, वरना सच निकलवाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं। वर्षा, ये ऐसे नहीं बताएंगी। नहीं सर, बताती हूँ, सब सब सच बताती हूँ। परी को किसी दुकान वाले ने नहीं मारा। परी, तुमने अब तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदला?
वो पापा मैं स्कूल से आते अपना होमवर्क कर रही थी ना, इसीलिए। झूठ बोल रही है, कॉमिक पढ़ रही थी। डोरबेल बजते ही किताब हाथ में लेकर बैठ गई। क्या है? क्या है? हाँ? सॉरी पापा। झूठ बोला? हाँ? मुझसे झूठ बोलती है? मुझसे? हाँ? क्या क्या? हाँ? मुझसे झूठ बोला? मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझसे झूठ क्यों बोला? रुक! रहने दीजिए, छोड़िए ना, बच्ची है, कॉमिक ही तो पढ़ रही थी। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है, हाँ? अगर बीच में आने की कोशिश की ना, तो तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारे पति ने एक मासूम बच्ची को मार डाला और तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं तो हमेशा उन्हें उसे मारने से रोकती थी, लेकिन ऐसा करने पर वो उल्टा मेरे ऊपर ही बरसने लगते। उनका कहना था कि वो उनकी बेटी है और वो उसके साथ जो चाहे कर। तुम्हारे पति ने उसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करती थी। जी सर, वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, उसके स्कूल से भी बार बार उसकी शिकायतें आती थी, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे थे। तो क्या वो उसे रोज मारता था? अरे परी तो दूसरी क्लास में थी, कोई भी टीचर इतनी छोटी बच्ची की शिकायत कैसे कर सकता है? और परी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, पढ़ाई के मामले में परी की कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। जी हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये कहें कि वो एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहली बात तो हम अपने किसी भी स्टूडेंट के लिए कभी ऐसा नहीं कहते, हमारे स्टूडेंट्स हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर हमारा कोई भी बच्चा पढ़ाई में वीक होता है तो हम उस पर पूरी मेहनत करते हैं। और परी तो एक बहुत होनहार स्टूडेंट थी, हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे करती थी, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी वो। और सबसे ज़रूरी बात तो ये इंस्पेक्टर साहब कि हमने कभी भी परी के पापा से या उसके किसी भी घर वाले से उसकी कोई शिकायत नहीं की। बल्कि उसके पेरेंट्स कभी भी किसी भी पीटीएम में नहीं आए, उसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं सर। सर, जितेंद्र सरीन केस में एक प्रोग्रेस है, इसे 7 साल पहले भी पकड़ा गया था। पुलिस को यह शक था कि इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। इसकी पत्नी कावेरी की लाश सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली थी। सभी ने यह कहा था कि उसने फांसी लगा के अपनी जान ली, लेकिन पुलिस को यह शक था कि यह आत्महत्या नहीं, यह मर्डर है। फिर कावेरी के माँ बाप भी यही कहते थे कि अक्सर जितेंद्र और उसकी माँ उसे दहेज के लिए परेशान किया करते थे। वो इस बात से भी नाराज थे कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। सर, इन सब बातों की वजह से जितेंद्र 6 महीने जेल में बंद भी रहा था, पर कोर्ट को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इसे बरी कर दिया गया। जितेंद्र 7 साल बाद परी को उसके नाना नानी के घर से क्यों लेकर आया था? वो इंसान जिसने बेटी पैदा होने पर नाराजगी दिखाई थी, 7 साल तक उसकी सुत तक नहीं ली थी, फिर अचानक दूसरी शादी के 3 साल बाद वो परी को अपने साथ लेकर क्यों आया? कहीं जानबूझकर तो नहीं लेके आया था ताकि वो उसे मार सके? हमें कभी भी नहीं लगा कि वो किसी अच्छे इरादे से परी को लेने आए। हमने तो परी को इसलिए भेजा कि वो बच्ची अपने पापा के प्यार को तरस रही थी, पर उसने इसे मार डाला। हमने परी को कभी नहीं बताया कि इसकी माँ की मौत कैसे हुई। हम नहीं चाहते थे कि ये परेशान हो, अपने बाप से नफरत करे। वो इसी इरादे से परी को अपने साथ लेकर आया था ताकि मौका पाकर इसकी जान ले सके। मेरी सास लक्ष्मी देवी, वो हमेशा मेरे पति को भड़काती रहती थी कि कैसे परी के नाना नानी की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। कोर्ट केस में इनका सब कुछ बिक गया, उनका घर भी। वो तो ये कहती थी कि परी सिर्फ उनके लिए एक श्राप है। उनका डर था कि एक ना एक दिन परी के नाना नानी
उनके पैसे और जायदाद पर परी का हक मांगने के लिए आ खड़े होंगे। आराम से खींचो मत, मार रहे हैं ना, हटो। परी की मौत में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ था। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा अपनी बेटी को मार डाले। हाँ, फूटी आंख नहीं भाती थी मुझे वो लड़की। नमस्ते दादी। मैं नहीं चाहती थी कि आगे जिंदगी में कभी भी परी या उसके नाना नानी मेरे जितेंद्र की जायदाद की लालच में आके हमारे सीने पे आके खड़े हो जाए। वैसे भी उनकी केस की वजह से हमारे काफी पैसे बर्बाद हो चुके थे। हाँ, मारा है मैंने उसे। इसको मारने के इरादे से ही मैं उसे नाना नानी के घर से यहाँ लेके आया। अब शगुन थी वो, जब से पैदा हुई थी मेरा जीना हराम करके रख दिया था। उसकी माँ मुझे एक बेटा तक नहीं दे सकी, और जब वो चली गई उसके नाना नानी ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। मेरे सारे पैसे कोर्ट केस में खत्म हो, ऊपर से 6 महीने की जेल हुई मुझे। नफरत थी मुझे उन लोगों से, और सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे परी से। उसने मार दिया मैंने उसे। पर 7 साल बाद क्यों? मेरे जेल से आने के बाद हम धीरे धीरे सेटल होने लगे, पर माँ को हमेशा डर लगा रहता था कि परी के नाना नानी फिर से कोई केस नहीं करते मुझ पर। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे हमारा डर बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन माँ ने कहा, समझता क्यों नहीं है तू, परी अब 7 साल की हो गई है और उसके नाना नानी भी बूढ़े हो चुके हैं। पता नहीं कब मर जाए या फिर उनकी बुद्धि सठिया जाए और परी को हमारे गले बांधने के लिए कोई और केस ठोक दे। मैं तो कहती हूँ परी को यहाँ ले आओ, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करना है। फिर मैं परी को यहाँ लेके आया। मुझे कोई लगाव नहीं था उससे। पापा, मुझसे झूठ बोला। हाँ, मुझसे झूठ बोला। आज आज मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा तेरी। हाँ, क्या कहा, क्या कहा था तूने, क्या कहा था तूने? हाँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे क्यों झूठ बोला, मुझसे झूठ क्यों बोला? हम भला उसकी प्रॉपर्टी क्यों मांगते? 7 साल में एक बार भी हम उसके पास नहीं गए। हमारा बस चलता तो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखते। पर इस सिर्फ हमारी बच्ची नहीं थी, हमारी जान थी। और हमारी जान की खुशी के लिए हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, और वो भी उस इंसान से जिसने हमारी बेटी कावेरी की जान ली थी। हमसे गलती हुई, एक बार नहीं दो बार। हमें कावेरी को नहीं जाने देना चाहिए था, हमें हमारी परी को भी नहीं जाने देना चाहिए था। जितेंद्र और लक्ष्मी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। 8 साल की परी अपने पिता को पाने के लिए तड़प रही थी। उस पिता को पाकर उसकी दुनिया पूरी हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए वो अपने नाना नानी को छोड़कर आई है वो उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपने साथ ले जा रहा था। जितेंद्र कावेरी को दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था। कावेरी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति और उसकी सास बेटी होने की वजह से खुश नहीं थे। ऐसे में अगर कमजोर ना पड़ते हुए कावेरी अपने ससुराल ना जाने का कदम उठाती
तो आज उसकी और परी की जिंदगी कुछ और ही होती। कावेरी के पेरेंट्स पैसों की कमी की वजह से और परी की जिम्मेदारी की वजह से कावेरी की मौत का केस एक वक्त के बाद नहीं लड़ पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि वो किसी भी हाल में जितेंद्र और उसकी मां को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। जितेंद्र पर उनकी बेटी कावेरी को मारने का शक था, लेकिन इस बार तो उसने उनकी नातिन की जान ली थी। हर औरत को यह समझने की जरूरत है कि शादी के नाम पर टॉर्चर करने वाला इंसान पति कहलाने के लायक नहीं है। जरूरत है उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने की। यह ना सिर्फ उस औरत के हित में है, बल्कि अगर उनकी कोई संतान है तो उस बच्चे के हित में भी है। बुरी शादियां किस्मत का खेल नहीं है, बस जिंदगी का एक गलत फैसला है जिसे जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनकी बेटी शादी में गलत इंसान के साथ बंध गई है, तो वो उसे बाहर निकलने में उसकी मदद करें, ना कि ये सोचकर किस्मत पर छोड़ दें कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बदलने का मौका मिलता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियां फिर भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन किसी इंसान की पूरी हकीकत जानने के बाद भी उस पर भरोसा करना ये अपने आप को खत्म करने के बराबर है। और ऐसे किसी इंसान को दूसरा मौका देने से अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दें। जिंदगी फिर से आपका हाथ जरूर थामेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।